वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करें टाटा अल्ट्रोस की टॉप मॉडल की। तो ये हैं टाटा अल्ट्रोस के टॉप मॉडल की फ्रंट लुक्स, ये हैं रियर लुक्स, और बैक से ऐसी लगती है। तो रियर में हमें इसके टॉप मॉडल में डीफोगर प्लस वाइपर मिल जाता है। अगर मैं डियर डोल की बात करूं तो यहां पे हमें डियर डोल के हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि मैं फ्रंट डोर्स की बात करूं तो वो सेम है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका, काफ़ी रिच इंटीरियर है। और जैसे कि हम बात कितनी बार कर चुके, टाटा पंच में भी सेम इंटीरियर यूज किया गया है। यहाँ पे हमें बस डिफरेंस ये है कि टाटा पंच के टॉप मॉडल में यहाँ पे हमें थाई सपोर्ट नहीं मिलती, बट इसमें हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए अच्छी खासी स्पेस हमें प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। ऑटोमेटिक एसी है और साथ में यहाँ पे हमें चार्जिंग के लिए स्लॉट प्रोवाइड की गई है। 12 वोल्ट की स्लॉट है, ये यूएसबी की स्लॉट है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ टाटा पंच के साथ, उसमें हमें एक स्लॉट ज़्यादा मिली हुई है और साथ में उसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं है। टाटा की गाड़ियों की यही बात सबसे बढ़िया है, जब डोर बंद करते हैं तो फील आता है और पता चलता है कि क्यों इसको एन कैब ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। अगर मैं ORVM की बात करूं तो काफ़ी अच्छी ORVM है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और इसका भी डिजिटल मीटर है, जो इसका सेमी डिजिटल मीटर है, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो ये हमें गाइड करता है, चाहे गाड़ी ऑन हो चाहे बंद हो। अब जैसे कि पिछला जो है डोर ओपन है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमें 8 इंच की हरमन की स्क्रीन मिल जाती है टॉप मॉडल में, और इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करता हूँ स्पेस की तो हमें काफ़ी अच्छा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है विद लाइट। और अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमें थाई सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाती है, और इवन साइड सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर मैं रियर की बात करूं, रियर लुक की बात करूं, तो हमें टॉप मॉडल में रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और ये हमें फ्रंट में भी आर्मरेस्ट मिल जाता है। अगर मैं इसकी व्हील की बात करूँ तो इसमें हमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो डायमंड कट है, और हमें स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कॉलिंग कंट्रोल्स दोनों हैंड पे मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। साथ में यहाँ पे हमें ORVM जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और ये हमें क्रोम में मिल जाता है। फिट एंड फिनिश, इसकी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखें तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी फील आ रही है, बट हाँ यहाँ से कुछ जगहों पे है जिस पे हम बोलते हैं कि टाटा पंच में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है इन द कंपैरिजन विद टाटा अल्ट्रोस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।